आशीष सर से हम लोग अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं, जिनमें से मैं अगर कहूँ पर्सनल लेवल पर जो बात सीखा हूँ मैंने सर आपसे, वो ये है कि व्यक्ति और वस्तु का डिफरेंस आपने हमें बहुत बेखूबी समझाया है। और मैं इस चीज के ऊपर भी आऊंगा कि तिगड़म वाला जो चीज है आपके पास कैसे मूवी आई, और थोड़ा सा हम उसके बारे में सर जानना चाहेंगे सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको अपने जीवन में बहुत सारे चुनौतीपूर्ण किरदार करने के मौके मिले। तो इस्माइल भाई जब हमारे पास ये फिल्म लेके आए और उन्होंने कहा कि आशु भाई ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको चार कैरेक्टर करने हैं, क्या बात है। तो मुझे लगा कि डबल रोल सुना था, ट्रिपल रोल सुना था, लेकिन ये जो ट्रिपल रोल है ये अपने आप में किसी अभिनेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, चैलेंज होता है। और मैंने जब कहानी सुनी और उन्होंने बताया तो मुझे ये समझ में आया कि कम्प्लीटली पूरा मनोरंजक फिल्म है और इसमें चार विभिन्न किस्म के कैरेक्टर एक ही आदमी को करने हैं। और फिर हम लोगों ने इस फिल्म की शुरुआत की और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस फिल्म के उन चारों किरदारों को देखता हूँ तो मुझे ये एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं किसी एक एक्टर को चार किरदार में देख रहा हूँ। मुझे हमेशा से ही ये लगता रहा कि वो जो किरदार है बस मैं उसको देख रहा हूँ, उन्हीं चारों किरदारों के साथ में जुड़ता चला गया। और ये चार जो किरदार हैं इस फिल्म में देखने में ये बिल्कुल अलग अलग रेंज के हैं। एक हैं जो बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं और काठियावाड़ी गुजराती हैं जिनके पास पैसा इतना है कि उनको खुद नहीं पता कि कितना पैसा है, आईलैंड वाईलैंड के मालिक हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है छगन पटेल साहब जो काठियावाड़ी गुजराती हैं, हीरो के व्यापारी हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं बारूद भाई जो बरली की चौल में रहते हैं लेकिन दुनिया में बहुत बड़े गप्पी हैं और बहुत उनको फेंकना फांकने में उनका बड़ा विश्वास है, तो जितनी दूर तक वो फेंक सकते हैं उतना वो फेंकते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं नवाब सलीम जो विशुद्ध नवाबी परिवार के हैं और विशुद्ध उर्दू में बात करते हैं लेकिन वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन हैं, खतरनाक आदमी हैं। और चौथे जो हैं जो उनसे एक मिनट छोटे हैं उनके ही भाई नवाब कलीम जो डॉन बनना चाहते थे लेकिन अपने भाईजान की चेस्ट उर्दू के कारण वो डिक्शनरी बन के रह गए कि वो लोगों के बीच में ये संबंध बताते रहते हैं कि भाईजान ने जो उर्दू में बोला है उसका हिंदी में क्या मतलब है और अंग्रेजी में उसका क्या अर्थ है। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण किरदार था और मुझे लगा कि किसी भी अभिनेता के जीवन में ये बहुत बड़ी कृपा होती है, आशीर्वाद होता है बुजुर्गों का जिनके माध्यम से ये ऐसे चुनौतीपूर्ण किरदार करने के अवसर मिले। सर आपका फेवरेट? अब चारों में ही जान लगाई है अपने और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अभिनेता के रूप में हमने उसमें एक जो चुनौती ली थी, चैलेंज दिया था वो ये था कि मैंने पूरा प्रयास किया कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि गेटअप ले लेते हैं जी, तो बिना किसी गेटअप के बिना किसी प्रोस्थेटिक के आप उनकी भाव भंगिमा बॉडी लैंग्वेज उनकी टोनल क्वालिटी उनके लुक उनके गेस्चर पोस्चर चलने के अंदाज से ही आपको वो चारों किरदार बिल्कुल अलग अलग नजर आए ताकि उसमें एक अभिनेता के रूप में आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आती है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें चारों की ही डबिंग हमने की है लेकिन किसी दूसरे का स्वर किसी दूसरे के स्वर से बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक अच्छी एक्सरसाइज रही और हम लोग बहुत अच्छा सीखे, एक बहुत बढ़िया रहा, बेहतर। एक बार जोरदार ताली हो जाए आशुतोष सर के लिए। मैं वीआईपी सर तक आना चाहूंगा। वीआईपी सर आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताएं और सबसे पहले आज लेट आने का कारण? वही नॉर्मल मुंबई में ट्रैफिक में इस फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ और जो अभी जिक्र किया छगन पटेल उनके लिए लड़की सप्लाई मैं करता हूँ। लॉन्ड्री का काम? हाँ लॉन्ड्री का काम करता हूँ। इस फिल्म के बाद पता चला कितने लोग मुझे बोलेंगे भाई लड़की है क्या, तो डर लग रहा है, डर ही लग रहा है। और इस किरदार को निभाने में अगर पूरी टीम ने मेरे साथ मेरा बहुत सहयोग दिया है, सबने मेरा साथ दिया कि भाई किस तरह से कर कैसे कर वैसे कर, और कायम हो गया
हमें देखने में मजा आ रहा है, अब लोग देखेंगे कितना मजा लेंगे पता नहीं है, लेकिन मेरा पहला था ये करेक्टर और बड़ा मजा आया मुझे काम करते हुए। ये कैसा तिगड़ब है ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा काम दूसरा है। अच्छा मेरा काम दूसरा है, देखिए फोन बजेगा। इसका फोन है आप लोगों के अली और विनीत इन दोनों के लिए बस जोड़ना चाहिए, दोनों मेहनती और कमिंग बैक टू बैक विद लव मूवीज एंड विनीत सर एंड अली सर, हाउ यू फील लाइक अभी आज ट्रेलर लॉन्च, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट। सपोर्ट किया और बहुत अच्छी क्या एक्सपेक्टेशंस और कैसा आपके लिए हाउ हाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस फॉर द मूवी देन वी आर रियली गुड और मेरे को व्हाट इज द रिलीज व्हाट इज द रिलीज 13 जुलाई हम लोग का रिलीज डेट है, वापस जोरदार ताली हो जाए एंड आशुतोष सर के पास वापस जाएंगे। आशुतोष सर सर मूवी से थोड़ा सा हटके एक सवाल है, मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ तक की जर्नी के बारे में थोड़ा सा अगर कुछ बता पाए कम शब्द में एकदम पॉलिटिकल की भाषा सिर्फ यही कह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यात्रा हमेशा एक चलते रहने वाली चीज है और उसे उसका आनंद ही चलते रहने में है, क्योंकि यात्रा जिस पल आपकी रुक जाती है तो फिर वो आनंद विहीन हो जाती है, तो अभी मैं चल ही रहा हूँ तो आनंद में हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां। वापस है हम लोग इस मूवी का ट्रेलर देखते हैं और वापस फिर एक और बार हम लोग इंटरेक्शन के लिए आएंगे। कहना तो सिर्फ यही चाहेंगे कि हमारा काम है करना, कहना काम आपका है कि उसको देखने के बाद जो भी आपको लगे। तो ये मेरा मानना है कि अगर किसी निर्माता निर्देशक को या लोगों को या राइटर को आपके अंदर वो प्रतिभा समझ में आती है और उनको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर रोल आप तक चलकर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रतिभा समझ में आती है। ये एक अलग बात है कि दुश्मन हो या संघर्ष हो या अभी धड़क हो या जिस किस्म के जो किरदार हमारे जीवन में आते रहें, लेकिन ये एक बहुत सुखद बात है कि जितने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स करने के अवसर आशुतोष को मिले हैं ये हमारे बॉलीवुड की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, अन्यथा इतनी विविधता किसी किरदार में इतने डिफरेंट किरदार कभी करने के मौके नहीं मिलते हैं। आशुतोष जी जी सर अपना बताइएगा, जो आपने चार रोल किए हैं जी इनमें से आपका फेवरेट रोल कौन सा है और इसमें आपको ज़्यादा मतलब उम्मीद है कि देखिए पूरी कहानी जनाब एक्चुअली घूम रही है छगन पटेल की हिंदी कि छगन पटेल जो है वो कहानी के को सेट भी करते हैं और वो कहानी को अपसेट भी करते हैं, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं क्योंकि वो एक बहुत ही आदर्श पति हैं और बहुत ही आदर्श पिता हैं, लेकिन उनके जीवन का ये काला पक्ष किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उनकी पत्नी है उनके बच्चों को भी नहीं पता कि छगन पटेल उतने ही बड़े लंपट व्यक्ति हैं और ये उनके जीवन का सीक्रेट है और जब वो खुलकर सामने निकल के आता है तो फिर कैसे व्यक्ति अपनी उस छवि को बचाने के लिए किन किस्म के जुगल या तिगड़मों का इस्तेमाल करता है, तो ये पूरी की पूरी और उसी प्रक्रिया में इनके संपर्क में बारूद भी आते हैं, इनके संपर्क में नवाब सलीम भी आते हैं, इनके संपर्क में नवाब कलील भी आते हैं। और हीरो को कितना मिस करते हैं जी, कोई पार्टिकुलर हीरो जो हो में नहीं है तो आपको आप कितना मिस करते हो आप कोई, क्योंकि इसमें आशुतोष ही हीरो है, आशुतोष ही विलन है, आशुतोष ही सपोर्टिंग कैरेक्टर है और आशुतोष ही कॉमेडियन है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई मिस करने वाली बात है। और इस्माइल दरबार साहब ये जो म्यूजिक देते हैं वो हैं या दूसरे साहब? नहीं इस्माइल दरबार साहब ही हैं और उन्हीं का म्यूजिक है और जबरदस्त म्यूजिक है और फिल्म के जो गाने अभी आप सुनेंगे मुझे लगता है शायद
कि आपको सुनाएंगे तो आपको तसल्ली देंगे वो भाई। सुपर, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी आदमी के दिमाग में ये विचार आना कि एक ही किरदार से चार किस्म अलग अलग कैरेक्टर करवा लेना और फिर वैसी कहानी का लिखा जाना। और नईम भाई जो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हैं और डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने उन चारों किरदारों को अलग अलग जुबान के साथ अलग अलग मिजाज को वो दे देना और साथ में इंटरटेनमेंट की उस वैल्यू को ध्यान में रखना कि आपको आनंद भी लगातार मिलता रहे। तो हमारा ये मानना है कि फिल्मों से क्या होता है कि फिल्म होती है मनोरंजन के लिए और स्कूल होते हैं शिक्षा के लिए। होता उल्टा है, हम स्कूलों में आजकल मनोरंजन ढूंढते हैं और फिल्मों में शिक्षा। तो हमारी आपसे प्रार्थना यह है कि फिल्म जो है इसमें मनोरंजन का विषय है, वो आपको मनोरंजन करेगी और इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की अपन ये शिक्षा जोड़ें कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो मुझे बस यही लगता है कि अगर शिक्षा ढूंढनी ही है तो फिर ये ढूंढिए कि व्यक्ति जिस हिसाब की छवि बनाता है उस हिसाब की छवि उसको अकेले में भी जीनी चाहिए। अगर आप अलग अलग छवियों के मुताबिक अपना जीवन जिएंगे तो फिर आप छगन पटेल जैसी असुविधा में पड़ जाएंगे। क्या बहुत कमाल, क्योंकि इन लोगों को तो हम जो स्टैंड अप कॉमेडियन है ये लोग तो सिद्ध लोग होते हैं वीआईपी वगैरह, तो इनका तो सिर्फ मुस्कुराना ही अपने आप में अदा हो जाता है। तो जो चीज इनके पास सहज है उस चीज को मुझे सिद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़ा और इन लोगों का इसमें इतना भरपूर सहयोग रहा, क्योंकि कोई भी फिल्म एक्टिविटी जो होती है वो सोलो एक्टिविटी नहीं होती, वो एक टीम वर्क होता है। तो जब तक टीम पूरी की पूरी ट्यून्ड ना हो तब तक उसमें आपको वो सुख नहीं मिलता है। तो ये भाग्य की बात है कि ऐसे निरअहंकारी लोग और ऐसे गुणी लोगों के साथ मैं फंसा रहा। गुणी लोग अशुतोष जी, एक मिनट सर, वो एक रोल ही करना बड़ा टफ होता है, तो जहां पे आपको चार रोल करने हैं, आप ही का सामना आपके ही साथ होना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये मुश्किलें ऐसी होती हैं जो किसी एक्टर को डेवलप करने का, परिष्कार करने का काम करते हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि बॉलीवुड में हम जैसे भाग्यशाली लोग कम होते हैं जिनको लगातार निरंतर कुछ ना कुछ अलग अलग करने के मौके बॉलीवुड देता रहता है। सर, इस तरह से जब सवाल था सर, आपका ट्रेलर में किरदार बहुत खूबी निभाया है और जो छगन पटेल का जो रोल आपने किया है, तो आपको कितने दिक्कत आई जो गुजराती एक्सेंट, क्योंकि सर मध्य प्रदेश से हैं और शुद्ध हिंदी, उनकी हिंदी कभी हमें समझ में नहीं आती। हाँ, इसमें बहुत, चूंकि इस्माइल भाई जो है वो स्वयं ही गुजराती हैं और काठियावाड़ी हैं, तैयब जी हैं, ये सब लोग सूरत के लोग हैं, तो इन सब को सुन सुन के और इन सब की उपस्थिति से वो चीज़ बड़ी आसान हमारे जीवन में हो गई। जो नई भाई हैं उन्होंने जो डायलॉग लिखे थे उनका जो फ्लेवर है वो अपने आप में इतना आनंद देने वाला था कि इन सब चीज़ों के कारण बड़ी सुविधा और बड़ी सहजता के साथ छगन पटेल निकल गए। उसी फिल्म का एक गुजराती में डायलॉग हो गया, वो डायलॉग तो आपको यहाँ पे सुनाई पड़ेगा सर, वो अमर हो जाए सर। नहीं नहीं, वो फिर व्यक्ति और वस्तु वाली बात हो जाएगी कि वस्तु है ना, वस्तु है। मैं व्यक्ति हूँ तो शेयर करें सर, एक बार वो वापस से मैं चाहूंगा कि एक बार अगर आप वो वापस से बताएं, क्योंकि ये श्रोता नहीं वो क्या होता है कि कोई भी विचार जब तक मौका और दस्तूर ना हो अगर वो बोल दिया जाए तो वो कुविचार की श्रेणी में आता है। तो सर कब तक ये रिलीजिंग डेट कब तक की है इसकी? अली साहब बताएंगे आपको, जुलाई बताएंगे, 13 जुलाई। आशुतोष सर, काम करने का अनुभव कैसा रहा इन लोगों के साथ में आपका? बहुत अद्भुत, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि किसी भी अभिनेता के जीवन में ये एक इच्छा होती है कि उसको विभिन्न विभिन्न किस्म के किरदार करने के मौके मिले, और जब किसी अभिनेता के जीवन में अगर आप देखें तो शायद 9 रोल जो है वो संजीव कुमार साहब ने किए, जी 3 ट्रिपल रोल महान में अमिताभ बच्चन साहब ने किया था। तो आपको इस किस्म के और इस कद के अभिनेताओं को ऐसे चुनौतीपूर्ण काम करने के अवसर मिलते हैं, और उस स्थिति में अगर आशुतोष राणा को अगर कोई फिल्म मेकर इस किस्म का काम करने का अवसर देता है तो अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो जब कृपा होती है तो आनंद अपने आप उस प्रक्रिया में आता है। थैंक यू सर।
विकी वी एपी सर आपसे सवाल है। हेलो चेक बाउंस चेक हो गया। सबसे पहले तो एक सवाल सर ने किया था कि कितना कठिन लगा आपको रोल में। कठिनाई तो मुझे आई थी, मुझे पहचाने कि कौन असली है कौन नकली है। एक सीन है इस फिल्म का जिसे मुझे पहचानना है कि छगन सेठ कौन, और वो ही सीन बड़ा मजेदार है। क्या क्या सवाल पूछे हैं मैंने तब जाके, इसमें मेरी फजीती होती है बाद में, लेकिन बड़ा मजेदार सीन लिखा हमारे नईम भाई ने। और एक्सपीरियंस, आप किसी डिक्शनरी के साथ खड़े हो तो एक्सपीरियंस की बात ही मत करो। मेरा सौभाग्य सर मैं आपके साथ मैंने काम किया, और इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर इनके साथ काम करने का मौका मिला। मतलब ये मेरी पहली फिल्म है जो मैं बयान नहीं करता, इतना अच्छा रोल। लोगों ने मुझे हमेशा मिमिक्री के लिए यूज किया है कि वीआईपी मिमिक्री, लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टर देखो, एक गुजराती कैरेक्टर, मैं तो तुम्हें पहले बोलता हूँ मेरी बात सुनो, तो ये वाला कैरेक्टर आप देखना बिल्कुल मजा आएगा आपको। और खास करके छगन पटेल के साथ ही रहते हैं कैरेक्टर। यस एनी अदर क्वेश्चंस? आशुतोष सर एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में भी आ रहे हैं धड़क में, निशान खट्टर और जानवी कपूर के साथ, क्या कहना चाहेंगे? दोनों नए कलाकार हैं, और खासकर जानवी की बात कर लें तो उसमें श्रीदेवी की कितनी झलक नजर आई आपको? देखिए सबसे पहली बात तो हम ये प्रार्थना आपसे करेंगे कि हम अक्सर नए बच्चों में हम पुराने लोगों की झलक देखना पसंद करते हैं, तो और निजता जो इंडिविजुअलिटी होती है फिर विचारों की वो नष्ट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जाह्नवी एक अलग अभिनेता है, और जाह्नवी का जो व्यक्तित्व है, जो किरदार है, जो मकदार है, और उनकी जो काम करने का तरीका है, वो निश्चित रूप से बहुत अलग है। उसमें अगर आपको ये आनंद का विषय होगा कि जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नजर ना आए, जिस दिन जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नजर नहीं आएंगी, उस दिन ये मान के चलिए कि जाह्नवी अपने आप में बहुत सदी हुई और बहुत सफल अभिनेत्री हो जाएंगी। और मुझे काम करते हुए ये नजर आया कि उनके अंदर जो ठहराव है या जो जुनून है या काम करने की जो समझ है, ये लगता है कि उनकी पहली फिल्म है, लेकिन विश्वास कीजिए वो इतनी तैयार और परिपक्व अभिनेत्री हैं, ईशान हो या जाह्नवी हो, कि मुझे भी अपने आप को उनके साथ काम करते हुए लगा कि आशुतोष आप इनको बहुत आसानी से नहीं ले सकते, अगर आप आसानी से लेंगे तो आपकी किसी भी बॉल के ऊपर सिक्सर जा सकता है। तो बहुत सतर्क होकर, और निश्चित रूप से जब आप नए अभिनेताओं के साथ काम करते हैं तो वो आपको रिजुवनेट कर देते हैं, आपको नया कर देते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कभी वरुण के साथ काम करने का अवसर मिलता है, कभी आलिया के साथ मिलता है, कभी जाह्नवी के साथ मिल जाता है, कभी ईशान के साथ मिल जाता है। तो जब आपको लगातार नई एनर्जी और नए टैलेंट के साथ काम करते रहने का अवसर मिलता है तो फिर आप पुराने नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी आपको लगातार नया करती रहती है। सर मेरा प्रश्न है, एक मिनट जी। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी की अनुपस्थिति की उपस्थिति के जैसी होती है। इस्माइल साहब है यहाँ पे, आपको छगन पटेल में देखेंगे, बारूद भाई में देखेंगे, आपको नवाब सलीम में देखेंगे, नवाब कलीम में देखेंगे, और वो हैं, इसलिए आशुतोष राणा को ये अवसर मिला। उनके सामने मैं ये कह देता कि आप हैं इसलिए अवसर मिला तो ये चापलूसी की श्रेणी में आता, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में कह रहा हूं कि इस्माइल दरबार का ये कलेजा है, ये उनका ही करेज है कि जिस आदमी ने एक इस एक्टर के ऊपर इतना बड़ा दांव खेला, और मुझे लगता है कि वो सफल होगा, तो ये प्रशंसा की श्रेणी में आता है। सर इसमें जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट, इसको क्या मिला है? सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट, हाँ इसको क्या सर्टिफिकेट क्या मिला है? अली सर से रिक्वेस्ट है, अली सर या विनीत सर, अभी इसके ऊपर सर डिस्कशन हो रहा है, एक तिगड़म करके लिए हैं अपन। नहीं मेरा इसके लिए भी कोई तिगड़म किए थे क्या? नहीं तिगड़म किया तो यूए मिलता, यूए मिलता। ओके सो द सर्टिफिकेट इज ए। यस एनी क्वेश्चंस? नो, सो वी आर मिसिंग हीरोइन आल्सो। Yes, so you are missing heroine also. She did. Yeah. I am also missing her. Sir, ये VIP
सर शायद कहीं और भेजे हैं उनको, कहीं और तो नहीं भेज दिए सर? आज म्यूजिक रिलीज फंक्शन है, एक्चुअली फिल्म कॉमेडी है जहां मुझे ख्याल, मैंने ट्रेलर नहीं दिखा, मैं जस्ट कम एक्चुअली मैं आपके लिए वापस प्ले करवा रहा हूं। थैंक यू। म्यूजिक म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट, और आई मीन टू से म्यूजिक कॉमेडी में एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो म्यूजिक से रिलेटेड कुछ बात की जाए, किस तरह के गाने हैं जी, और इट वाज डिफिकल्ट टू मेक अ म्यूजिक फॉर अ कॉमेडी फिल्म जी। मुश्किल होता है, लेकिन ये इसमें जितने भी गाने हैं सब सिचुएशनल गाने हैं। छगन पटेल के ऊपर दो गाने हैं, वो भी परिस्थिति जन्य गाने हैं। बारूद के ऊपर दो गाने हैं, वो भी परिस्थिति जन्य गाने हैं। तीसरा जो नवाब सलीम साहब, उनके ऊपर भी गाने हैं, वो भी परिस्थितियों पे आधारित गाने हैं। तो आपको फिल्म का म्यूजिक, और चूंकि इस्माइल दरबार साहब खुद इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो वो जो रिचनेस होती है संगीत की और जो ग्रैंडनेस होती है वो आपको देखने मिलेगी इसके स्वर में भी और इसके फिल्मांकन में। और इसके बाद जैसे ही हमारा ये खत्म होगा तो हम लोग फॉर श्योर इसके जितने भी हमारे 4 songs हैं 5 songs हैं वो हम अभी प्ले करने वाले हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन? तो जी मेरा सवाल आपसे है, सर खड़े हो गए हैं सर जी। सर सवाल ऐसा है कि आज से कुछ दिनों पहले कई विभिन्न पत्रिकाओं में, विभिन्न भाषी पत्रिकाओं में ये बातें चलने लगी कि आशुतोष राणा जिस प्रकार मुंबई या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब कम नजर आ रहे हैं, और अचानक से उसके बाद अगले 2 सालों में बाकी कई सारी रिलीजेस, बेशक मैं खुश हूँ इस बात के लिए, लेकिन सवाल ये है कि जो दौर होता है जब काम नहीं होता तो उस वक्त डिप्रेशन का एक ऐसा दौर हर कोई झेलता है, आपने उस दौर को किस तरह देखा, एक चैलेंज की तरह या नाकामी? सिर्फ 2006 का साल छोड़ दें आप, बाकी 2018 में हम खड़े हैं, और मेरा फिल्मों का सफर शुरू हुआ है 1998 से, तो 98 से 18 मतलब 20 वर्षों में से सिर्फ 2006 का एक वर्ष हम छोड़ दें, बाकी एक वर्ष मुझे बताइए गूगल पर जिस पे आशुतोष राणा की फिल्म ना आई, जोरदार तालियां हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि जिसको हम ये कहते हैं कि काम का ना होना, जो हम ये लगा देते हैं, हाँ जब चूंकि आपको दुश्मन और संघर्ष और राज और बादल जैसे किरदारों में आशुतोष को देखने की आदत पड़ गई हो, तो फिर वो LOC नहीं नजर आती, फिर वो समर ऑफ 2007 नजर नहीं आती, फिर हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया आपको समझ में नहीं आती, फिर हमको चोट समझ में नहीं आती, डेंजर शबनम मौसी जैसी फिल्में हमको नजर में नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार मुझे काम मिलता रहा, और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसने अकेला हिंदी भाषा की फिल्मों में नहीं, आप मुझे बहुत शान से ये कह सकते हैं कि आशुतोष राणा भारतीय फिल्म अभिनेता है, हिंदी फिल्म अभिनेता नहीं है, क्योंकि चाहे वो तमिल फिल्म हो, चाहे वो तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, बंगला हो, हरियाणवी हो, इन सारी भाषाओं की फिल्मों में मुझे काम करते रहने का अवसर मिला है। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे समाज बदलता जाता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं साहित्य भी बदलता जाता है सिनेमा में, तो ये लगातार एक ऐसा दौर चलता रहता है कि आप अलग अलग किस्म की चीज़ें करते रहने के लिए, तो बीच में एक दौर जरूर आपको ये लगा होगा कि जहाँ पे विलन्स की जो खलनायकों की बात होती है वो आप समाप्त होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, अब आप धड़क देखेंगे तो विलन के कलेवर, विलन के किरदार, उसके सुर निश्चित रूप से बदल रहे हैं, और मैं आगे जाकर फिर से ये कहूँगा कि बदलते हुए सुरों को अभिनीत करते रहने का मुझे मौका मिलता है। उसके ऊपर मैं इसलिए भी कभी 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 विचार नहीं करता हूँ, मेरा ये काम रहता है कि ये लुकआउट जो है वो प्रोड्यूसर का है, ये लुकआउट जो है वो PR वालों का है, कि कैसे अगर आपके पास एक अच्छी चीज़ है और वो अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रोड्यूसर्स की होती है, और मैं शुभकामनाएँ दे सकता हूँ या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आपको मेरे सहयोग की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आपके साथ मैं सतत खड़ा हूँ, पूरी फिल्म के दौरान खड़ा रहा, तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट को या हमारे इस प्रोजेक्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा पाए। तो अब ये मान के चलेंगे कि जब यहाँ तक आई है तो निश्चित रूप से दर्शकों तक भी पहुँचे। सर ये भी जैसा
मैं इस चीज़ में इसलिए भी विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर जैसे मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को मेरा परिवेश और मेरा वातावरण सहज ही मिलेगा और उन्हें मिलना चाहिए। तो अगर उन्हें करना है तो ऐसा क्यों मैं करूं कि मैं संसार को तो मदद करूं लेकिन अपनी संतान को मैं मदद नहीं करूं। तो मैं इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करता क्योंकि जैसे अगर आप देखें कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का लड़का अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टरी की सारी तैयारी करता है और वो डॉक्टर बन जाता है। ऐसे ही अभिनेता का अगर लड़का या लड़की अभिनेता बनना चाहती है तो वो अभिनेता होने की सारी तैयारी करे और उनको अवसर मिलने चाहिए। तो मुझे इसमें जिसको आप कहते हैं वंशवाद, तो वंशवाद तो ये तो हमारी परंपरा आज की नहीं, ये तो लगातार बहुत पुरानी परंपरा है और हर क्षेत्र में है, अकेला सिनेमा में ही। देखिए जितने भी आज के जो युवा हैं वो बहुत तैयार हो मैच्योर हो गया है, वो बिल्कुल बिना तैयारी के नहीं आ रहे हैं या सिर्फ वो सिर्फ इच्छा के कारण नहीं आ रहे हैं, वो इच्छा के साथ साथ अपनी क्षमता यानी कैपेसिटी को भी डेवलप करते हुए वो सिनेमा के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं और वो दक्ष होते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो जब ट्रेंड लोग आपके साथ और सामने होते हैं तो निश्चित रूप से आपकी भी परफॉर्मेंस उनके साथ साथ सुधरती है, परिपक्व होती है, एजी होती है।